हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। ये टेरेस गार्डन का नाइट व्यू है और अब थोड़ा थोड़ा अपनी शेप में आने लगा है, पहले वाली फॉर्म में। अब दिवाली आ रही है तो दिवाली पर भी इसको थोड़ा डेकोरेट कर देंगे, शेड को हैंगिंग बास्केट लगाकर और विंड चैम्स वगैरह लगाकर, कुछ एक्सेसरी गार्डन की यूज करके। और जो जो शॉपिंग फूलों वाले प्लांट की होती है वो सीधा यहाँ आ जाते हैं टेरेस पे, और कम धूप वाले नीचे रह जाते हैं, नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर वाले गार्डन में। ये हार श्रृंगार का प्लांट है, देखिए कितनी अच्छी बर्ड्स आई हुई हैं इसमें। और अब आते हैं टॉपिक पर, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो में भी आपने देखा होगा। और कुछ छोटी सी शॉपिंग करी है, उसके मैं विद नेम एंड प्राइस आपको बताऊँगी। ये है ब्लीडिंग हर्ट वाइन, जो रेड वाइट मेरे पास पहले है और ये पिंक वाइट है। 250 की लगाई है। और ये जो सारे डायंथस और गेंदे हैं ये 25 ईच लगाए हैं, क्योंकि विंटर प्लांट्स की यही अब चला हुआ है 25-30। और जो ये आपको पिंक, लाइट पिंक और रेड दिखाई दे रहा है, ये पेंटास है। ये 150-150 के लगाए हैं। एक ये लंबा वाला है, ड्वार्फ वैरायटी वाला पिंक है, और लाल वाला लंबा वाला है। और जो क्लेंचो आपको दिख रहे हैं हाइब्रिड, ये 125 ईच लगाए हैं। दो तीन कलर हैं ये, दो कलर हैं ये, पिंक और रेड, सुर्ख रेड। और ये लाल पत्ते वाला है, ये है चाइनीज फ्रिंज फ्लावर, इस पे छोटे छोटे रेड कलर के फ्लावर आते हैं। ये 250 का लगाया है ये, इसमें तो बास्केट भी है और लाल मिट्टी में है, इसको तो अच्छे से शिफ्ट करना पड़ेगा। और ये कोलियस लेके आई हैं, ये है 50-50 के। तो इस तरह से ये कुछ मेरी पक्के प्लांट्स की और सीजनल प्लांट्स की शॉपिंग हुई है। नर्सरी के आगे से जाओ तो कुछ ना कुछ अलग सा दिख ही जाता है। जैसे ये है समर ट्यूलिप है इसका नाम, और बहुत ही मतलब अच्छा शेप है इस प्लांट की, और कम धूप का प्लांट है इसलिए मैं इसको नीचे रखूंगी और चाइनीज हिंज फ्लावर को भी नीचे रखूंगी। ब्लीडिंग हर्ट वाइन को टेरेस पे पहुंचाऊंगी और सारे सर्दियों वाले भी टेरेस पे पहुंचाऊंगी। सिर्फ हाइब्रिड क्लेंचो को नीचे रखूंगी क्योंकि इसको कम धूप की ज़रूरत है। और ये जो पेंटास है इनको भी कम धूप की ज़रूरत है, इनको भी मैं नीचे रखूंगी। तो किसी भी प्लांट को उनके वेदर के अकॉर्डिंग या उनकी उनको फेवरेबल कंडीशन दोगे तो खूब फलेंगे फूलेंगे। तो आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा वीडियो का, शॉपिंग का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।